हेलो, मैं हूं आपका दोस्त राजीव खुराना और इस माइक्रो मास्टर क्लास में मैं आपको सेलिंग में एक पुराना कॉन्सेप्ट हंटर वर्सेस फार्मर के बारे में ब्रीफली बताऊंगा। कौन है ये हंटर? हंटर वही है शिकारी, बंदूक लेके गया जंगल में शिकार पे, जो शिकार सामने नजर आया गोली चलाई, गोली लग गई तो शिकार उसका उठाकर घर ले आया। और कौन है ये फार्मर? फार्मर बीज बोता है, फसल का पूरा ख्याल रखता है, समय समय पर उसे पानी देता है और फिर जो फसल तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई करके उसे बाजार जाकर बेचता है। तो हंटर की कहां जरूरत होती है? हंटर फोकस करता है ज्यादा से ज्यादा टारगेट्स को अचीव करने के बारे में। उसका फोकस होता है डील की क्वांटिटी पे और कुछ नए एवेन्यूज को खड़े करने पे, जबकि फार्मर का ध्यान होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर का लुक आफ्टर करना, उनके साथ संबंध बनाए रखना और साथ ही साथ उन्हें नर्चर करते हुए रहना। अब सवाल आता है कि दोनों में से बेहतर कौन है? क्या हंटर बेहतर है या फार्मर बेहतर है? एक जमाना था लोग कहते थे हंटर बेहतर है या फार्मर बेहतर है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब दोनों की ही जरूरत है, क्योंकि सिचुएशन के अनुसार दोनों की जरूरत है। कारण, नए नए कस्टमर्स चाहिए, उन्हें रिटेन करना पड़ेगा, उन्हें नर्चर करना पड़ेगा। अर्थात कुछ समय ऐसा होगा जब हम हंटिंग करेंगे और कुछ समय ऐसा होगा जब हम फार्मिंग करेंगे। जब गाड़ियां हाइब्रिड हो रही हैं तो हमारी सेल्स अप्रोच हाइब्रिड क्यों नहीं हो सकती? तो मेरे दोस्तों, देखते रहिए माइक्रो मास्टर क्लास पर राजीव खुराना और यूट्यूब के इस चैनल को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में और भी एपिसोड्स मैं आप तक पहुंचा सकूं।